बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यार मैं कुछ वीडियो आपके साथ ऐसे भी शेयर करता रहता हूँ जैसे कि फ़ाइन वगैरह के मुतलक हो। हाल ही में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की व्हाट्सअप के मुतलक के, व्हाट्सअप के ऊपर भी भाई 3 लाख रियाल तक का फ़ाइन हो सकता है आपको और 1 साल से 3 साल तक कैद हो सकती है। व्हाट्सअप यूज़ करने वालों को आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी होगी मैंने उस वीडियो में कम्प्लीटली बता दिया है। सऊदी अरब में रहते हुए भाई सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत सी एहतियात करनी होती है। कोई भी किसी किस्म की गैर अखलाकी या आप बोलने के किसी की इश्तियाल अंगेज़ वीडियो भी शेयर मत कीजिएगा, चाहे किसी की है, अपने किसी भी प्लेटफॉर्म अपनी किसी भी आईडी के ऊपर मत शेयर कीजिएगा उसको, ठीक है जी। अभी ये पाकिस्तानी है जी, मैं एक तो पहले आपको थोड़ा छोटा सा सुना दूँ, देख लें। भाई साहब ने वीडियो बनाई है अपनी ऐसे सेल्फी कैमरे से, और सेल्फी कैमरे से वीडियो बनाएं जैसे मर्ज़ी बनाएं, जैसा कि मैं आपके साथ बहुत सी वीडियो लाइव शेयर करता रहा हूँ मुख्तलिफ मुकामात को लेकर। नो टेंशन है, आप हरम मदीना एंड किसी भी मॉल में चले जाएं, अपनी सेल्फी बनाएं, वीडियो बनाएं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप अभी अपनी वीडियो में किसी खातून को ला रखें और ख़ासकर वो भी किसी सऊदी खातून को, सऊदी लड़की को, तो अगर उनकी तरफ से क्लेम ना भी किया गया तो आपकी ये वीडियो जब सोशल मीडिया के ऊपर लगेगी तो आपको डेफिनेटली बात है उठा लिया जाएगा, कन्फर्म बात है। जैसा कि आप रियाल शो करवाने बैठ जाएं वो शरीक को सड़ो हैं तो ऐसे वैसे, तो उन रियाल शो करवाना भी एक कानूनी जुर्म है और इस चीज़ के ऊपर भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी भाई साहब के साथ में आपको मैं वीडियो दिखा रखा हूँ, लेकिन मैंने ना इनका चेहरा ब्लर किया है। यार क्यों ब्लर किया है, पाकिस्तानी भाई है, अभी तक कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई है और अल्लाह ताला की ज़ात खैर ही रखे और कोई भी किसी किस्म की कार्रवाई ना ही हो बेहतर है। मैं इनका चेहरा इसलिए ब्लर कर रहा हूँ, पीछे खातून है जी और उनकी माशाल्लाह ये खुद से अपनी वीडियो बना रखे हैं और साथ में उनको कैच कर रहे हैं, बेसिकली दिखा उनको रखे हैं, और ऊपर एक सॉन्ग लगाया हुआ है पंजाबी टाइप का नहीं, आप इसको जंगली टाइप की बोली बोल सकते हैं। तो पाकिस्तानियों बाज आ जाओ, मैं यही बोलूँगा, पीछे बैठी फैमिलीज का ख्याल रखें, आपको पकड़ा जाएगा, फिर 2-3 साल जेल में पड़े रहेंगे या शाही माफ़ी का इंतज़ार करते रहेंगे, फ़ाइन अलग से होगा। इससे बेहतर है ऐसी कोई भी पोस्ट शेयर मत कीजिए यार, पहले सोचिए समझिए फिर लगाइए। हाँ आप कुछ बात कर रखे हैं, पीछे आपके कोई बंदा गुजर रहा है, वो एक अलग से मामला होगा, लेकिन आप किसी को दिखा रखे हैं जानबूझकर तो फिर आपको डेफिनेटली बात है गिरफ्तार किया जाएगा।